एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पैट्रिशिया। मैं और साईश्री अभी हॉस्पिटल के लिए निकल रहे हैं क्योंकि आज मेरी सिस्टर की सर्जरी है। अभी हॉस्पिटल में मेरे ब्रदर इन लॉ है और तविशी है वहां पर, तो मैं आप सबको थोड़ी देर में वहां पहुँच कर मिलती हूँ। चलो, ओके, बाय। फ्रेंड्स, जब हम वहाँ पहुँचे तो उन लोग सिस्टर को ऑलरेडी ऑपरेशन थिएटर लेके जा चुके थे और ऑपरेशन करने के बाद उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया था फॉर ऑब्जर्वेशन पूरे दिन के लिए और रात के लिए। तो इसलिए हम लोग फिर उसे बिना मिले ही हम लोग घर वापस आ गए। यहाँ देखिए, सिस्टर को वार्ड में शिफ्ट कर दिया है और वो हम लोग दोनों को देख के इतनी खुश हुई। मुझे इतना अच्छा लगा उसे देख के, क्योंकि कुछ टाइम से सिस्टर को बहुत पेन था स्टमक में। जब अल्ट्रासाउंड किया गया था तब देखा कि उसको हर्निया है और गॉल ब्लैडर में स्टोन भी था। तो डॉक्टर ने कहा था कि जब हर्निया का ऑपरेशन कर रहे होंगे तो वो गॉल ब्लैडर भी रिमूव कर देंगे, लेकिन जब ऑपरेशन किया तो देखा कि एक हर्निया के पीछे दूसरा एक और हर्निया है जो अल्ट्रासाउंड में नहीं दिखा था, और उस वाले हर्निया में पस था तो जो ज़्यादा पेन दे रहा था सिस्टर को। तो डॉक्टर्स ने अभी फ़िलहाल के लिए तो सिर्फ हर्निया का ऑपरेशन किया है, गॉल ब्लैडर रिमूव नहीं किया क्योंकि गॉल ब्लैडर में स्वेलिंग थी। तो अभी मेडिकेशन चल रहा है उसका, चलेगा फॉर 3 मंथ्स और उसके बाद ही वो गॉल ब्लैडर रिमूव करेंगे। और डॉक्टर ने ये कह दिया था उसको कि थोड़ा मूवमेंट्स भी स्टार्ट करो, थोड़ा चलना फिरना शुरू करो। नेक्स्ट डे ही बोला था कि उसको चलने फिरने के लिए, और नेक्स्ट डे उसे डिस्चार्ज भी कर देंगे। ये सुन के तो मुझे बहुत अच्छा लगा, रिलीफ थी मैं। और यहाँ पर सिस्टर हम लोग को कुछ आईसीयू के अपने इंसिडेंट बता रही थी, तो जिसे सुन के हम थोड़ा हंस रहे थे। मेरी फोटो, मेरी शक्ल कैसे आ रही है? बहुत अच्छी है। पता है बहन, वो जहाँ पे मैं आईसीयू में थी ना, वो बंदा जो अटेंडेंट था ना, वो पता है, मैं अकेली हूँ पूरी आईसीयू में अकेली। अच्छा। और पता है वो दूसरी बंदी को क्या कहता है? वैसे तो मुझे डर लगता है आईसीयू में अटेंडेंट देना, कह रहा है क्योंकि पूरा आईसीयू खाली हो तो पता भूत भी आते हैं। इसने ये बोला। और बंदी को पता, दूसरी बंदी कहती है हाँ तू सही कह रहा है, मुझे भी डर लगता है। कहता है रात को तो मुझे अर्थक्वेक वाली फीलिंग भी आई। इसने अपनी बहन की इंट्रोडक्शन भी दी, क्या चीज से करवाई पेशेंट बन गए। ये तो हम हेलो हेलो कर दो व्लॉग के लिए, ऐसे करे हेलो बोलेगा, आई फोन लगा भाई बहन ऐसे क्या किया। ये वीलो ये ट्रॉल करो इसको। मैं तो उजड़ी चमन दिख रही हूँ उसी पे फोटो। अरे बस कर, क्या पूछ रहा है। हॉस्पिटल से निकल के फिर हमने बैटरी रिक्शा लिया टू निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन तक। ये स्टेशन के बिल्कुल सामने ही हमने ये देखा कि काफ़ी बड़ा एक मॉल है और इस मॉल में काफ़ी अच्छा क्राउड भी है, और यहाँ पर बच्चों के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, कार्स हैं और टॉय ट्रेन है। मुझे ये बड़ा प्यारा लगा था टॉय ट्रेन। और यहाँ पर साईश्री मुझे दिखा रही है एक कि यहाँ पे खाने के भी आउटलेट्स है, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ नहीं खाया क्योंकि टाइगर घर पे अकेला था, तो उसके लिए खाना बनाना था सबसे पहले घर में जाके, और फिर उसको वॉक पे भी लेके जाना था, फिर मुझे डिनर भी बनाना था, तो इसलिए हम बिल्कुल नहीं रुके और हम लोग सीधा घर आ गए। फ्रेंड्स, टाइगर का डिनर हो गया, वॉक भी हो गया, हम लोग का भी डिनर हो गया है, और आज का दिन काफ़ी हेक्टिक था मेरे लिए बस। लेकिन यही खुशी है कि मेरी सिस्टर बेटर फील कर रही है, और भगवान से बस मैं यही प्रार्थना करूँगी कि उसे जल्द से जल्द ठीक कर दे और वो हमेशा ही यूं ही मुस्कुराती रहे। और मैं भगवान से ये प्रार्थना भी करती हूँ कि आप सब लोग
बहुत खुश रहे और हर दुख मुसीबत परेशानियों से बहुत बहुत दूर रहे। और इसके साथ ही मैं अपना ये व्लॉग एंड करती हूँ और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन प्लीज़ टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। सो सी यू सून। बाय बाय।